जय हिंद दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा पैराबोरा। पैराबोरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पैराबोरा में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई मेंस के लिए, वो सारा कुछ यहां पे हम 15 मिनट में डिस्कस करेंगे। तो पैराबोरा, सबसे पहले हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ द कॉनिक। तो इक्वेशन ऑफ द कॉनिक में क्या है कि आपके पास ये एक फिक्स लाइन है जिसका इक्वेशन ax + by + c = 0, और यहां पे एक पॉइंट है जो कि मूव कर रहा है और ये आपका फिक्स पॉइंट है। तो कॉनिक सेक्शन का डेफिनेशन होता है कि ये पॉइंट इस तरीके से मूव करेगा कि PS/PM = E होगा। PS/PM = E, जहां पे E आपका इसेंट्रिसिटी है। पैराबोला के केस में इसेंट्रिसिटी E का वैल्यू जो होता है वो 1 के बराबर होगा। तो PS/PM = E, तो हम कह सकते हैं PS = PM। अब यहां से PS, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लिए तो √(x-α)² + (y-β)² और यहां से P से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाले जो कि आया ax + by + c / √(a²+b²) जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास जो इक्वेशन आएगा वो पैराबोला का इक्वेशन आएगा। तो ये था आपका डेफिनेशन पैराबोला का। अब मेरे पास चार स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है पैराबोला में। एक होता है y²=4ax, आप देख सकते हैं यहां पर है y²-4ax, x²=4ay और x²-4ay। अगर y पे इवन पावर है तो ग्राफ x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, x पे इवन पावर है तो ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। अब सम इंपॉर्टेंट टर्म्स हम यहां पे y²=4ax के लिए डिस्कस करते हैं इन सभी। सबसे पहले एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम उस तरह के लाइन को कहते हैं जिसके अबाउट कर्व सिमेट्रिक होता है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम उस लाइन को कहते हैं जिसके अबाउट कर्व क्या हो, सिमेट्रिक। वर्टेक्स, जहां पे आपका कर्व और एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक दूसरे से इंटरसेक्ट करता है वो वर्टेक्स कहलाता है। डायरेक्ट्रिक्स, जो फिक्स लाइन है, जो फिक्स लाइन होता है उसको डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। जो फिक्स पॉइंट है उसको हम फोकस कहते हैं। उसके बाद आता है फोकल कॉर्ड। कॉर्ड, कॉर्ड क्या होता है, जो सर्कमफेरेंस के किसी दो पॉइंट को मिला दे वो कॉर्ड कहलाएगा। तो जो कॉर्ड फोकस से पास करेगा वो फोकल कॉर्ड होगा। फिर आपके पास है डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट हम उस तरह के कॉर्ड को कहते हैं जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे परपेंडिकुलर हो। फिर होता है रेटरसेक्टम। रेटरसेक्टम जो है वो भी एक तरह का कॉर्ड है जो फोकस से पास करे और एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे परपेंडिकुलर भी हो। याद रखे, रेटरसेक्टम जो होता है उसमें फोकल कॉर्ड और डबल ऑर्डिनेट दोनों का मेरिट होता है, दोनों का डेफिनेशन वो सेटिस्फाई करता है। अब यहां पर मेरे पास चार स्टैंडर्ड इक्वेशन। चार स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए हम यहां पे देखेंगे सबका कोऑर्डिनेट और इक्वेशन के बारे में। जैसे गौर करें, यहां पे मेरे पास क्या है, y²=4ax, तो ये आपका वर्टेक्स हो गया। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट 0, 0। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0, 0। ये आपका फोकस। फोकस किस पे, एक्स एक्सिस पे, तो 1, 0। डायरेक्ट्रिक्स, इधर आपका क्या होगा, अच्छा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहां पे कौन है, एक्स एक्सिस, तो y = 0। ये आपका डायरेक्ट्रिक्स होगा। डायरेक्ट्रिक्स लेफ्ट साइड है तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x = -a। लेंथ ऑफ द रेटरसेक्टम क्या होगा, 4a होगा। अगर हम टेंजेंट की बात करें तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, x = 0, और इस पे पैरामेट्रिक पॉइंट जो होगा वो 80² / 2280 होगा। उसी तरह से इन सारे पैराबोला का देख सकते हैं। यहां पे देखिए, ये कर्व y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो वर्टेक्स तो 0, 0। y एक्सिस का इक्वेशन होता है x = 0, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक क्या होगा, x = 0। फोकस आपका कहां पे लाई करेगा, यहां पे लाई करेगा, तो फोकस का कोऑर्डिनेट 0, a। डायरेक्ट्रिक्स आपका इधर होगा तो ये y = -a। लेंथ ऑफ द रेटरसेक्टम एज इट इज 4a, और आपका टेंजेंट कौन है यहां पे, x-axis। x-axis का इक्वेशन क्या होता है, y = 0। इसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगा, 280, 2 2 80 80 स्क्वायर। उसी तरह से x²-4ay के लिए होता है और y²-4ax के लिए। अब जनरलाइज फॉर्म, जैसे यहां पे मेरे पास पैराबोला था y²=4ax, तो इसका वर्टेक्स क्या था, 0, 0। अगर वर्टेक्स 0, 0 ना हो के h, k हो वर्टेक्स, तो यहां पे ये जो x है ये आपका चेंज हो जाएगा x - h में, और ये जो y है ये चेंज हो जाएगा y - k का होल स्क्वायर। याद रखे, अगर वर्टेक्स अल्फा बीटा है या h, k है तो y को रिप्लेस कर दे y - k से और x को रिप्लेस कर दे x - h से, आपका जनरलाइज पैराबोला मिल जाएगा। अब हम यहां पे किसी भी पॉइंट का पोजीशन पता करते हैं कि वो पॉइंट किसी पैराबोला के अंदर है, बाहर है, या पैराबोला पे लाई कर रहा है। तो यहां पे सिंपल सा तरीका है, x1 y1 कोई एक पॉइंट है। अगर ये पॉइंट पैराबोला के इनसाइड हुआ
तो हम इसमें अगर पुट करें तो y1 square minus 4ax1 less than 0 होगा। अगर ये पॉइंट x1, y1 पैराबोला पे लाई करे, तो अगर पैराबोला पे लाई करेगा तो y1 square minus 4ax1 जीरो के बराबर होगा। अगर ये पॉइंट x1, y1 पैराबोला के बाहर हो, तो अगर पैराबोला के बाहर है तो y1 square minus 4ax1 जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा। तो कोई भी पॉइंट का तीन पोजीशन हो सकता है, या तो पैराबोला के अंदर, या तो पैराबोला के बाहर, या फिर पैराबोला पे लाई करेगा। तो ये था पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ पैराबोला। अब हम यहां पे देखते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टेंजेंट को अच्छे से जरूर करें। तो ये पैराबोला है, पैराबोला का इक्वेशन मेरे पास है यहां पे क्या, y2 = 4ax, और यहां पे मेरे पास एक लाइन है y = mx + c। गौर करें, अगर ये लाइन इस कर्व पे टेंजेंट है तो टेंजेंट क्या होता है, जो लाइन कर्व को टच करे। तो अगर ये लाइन इस कर्व को टच कर रहा है, इस पैराबोला को टच कर रहा है, तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कंडीशन क्या है, c = a/n, जहां पे c क्या है, y इंटरसेप्ट है, a क्या है, ये a डिस्टेंस ऑफ फोकस एंड वर्टेक्स, और m क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन। m किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ द लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, c = a/n। अगर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन डिफरेंट फॉर्म की बात करें, कि टेंजेंट का इक्वेशन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में क्या होगा, तो सबसे पहले हम यहां पे देख रहे हैं कि कोई एक पॉइंट, वह पॉइंट जो आपका पैराबोला पे भी है, तो इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा। गौर करें, मेरे पास पैराबोला क्या है, y2 = 4ax। तो जब कभी भी ऐसा पॉइंट जो कि कर्व पे हो, उसी पे टेंजेंट ड्रॉ करना हो, तो उसका बहुत आसान तरीका होता है, y2 को हम रिप्लेस करते हैं y y1 से, x2 को रिप्लेस करते हैं x x1 से, x को रिप्लेस करते हैं x + x1/2 से, और y को रिप्लेस करते हैं y + y1/2 से। गौर करें, यहां पे y2 है, तो y2 आपका किससे रिप्लेस हो गया, y y1 से। यहां पे आपके पास x है, तो x किससे रिप्लेस हो गया, x + x1/2, यहां पे 4 था तो कैंसिल हो गया। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट ए पॉइंट क्या होगा, y y1 = 2a × x + x1। अब अगर हमको टेंजेंट का इक्वेशन पैरामेट्रिक पॉइंट पे निकालना, तो पैराबोला चूंकि आपके पास है y2 = 4ax का, तो y2 = 4ax वाला पैराबोला है, तो इसका पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होता है, 80 square, 280। तो यहां पे हम पैरामेट्रिक पॉइंट ले लिए 80 square, 280। यहां पे ये x1 का काम करेगा और ये किसका काम करेगा, y1 का। तो हम y2 को किससे रिप्लेस करेंगे, y y1 से, और x को किससे रिप्लेस करेंगे, x + x1/2 से। तो यहां पे हम y1 के जगह पे रखे 280 और x1 के यहां पे 80 square। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई किए तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या आ गया, yt = x + 80 square, जहां पे t आपका क्या है, पैरामीटर। तो ये था आपका इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पैरामेट्रिक पॉइंट। अब हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट कब, जब स्लोप ऑफ द टेंजेंट मालूम हो। तो अगर स्लोप ऑफ द टेंजेंट मालूम है, उस केस में अगर हमको इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालना, तो देखिए इस लाइन का स्लोप मालूम है m, तो इस लाइन का इक्वेशन आपका क्या बनेगा, y = mx + c बनेगा। चूंकि c यहां ये लाइन आपका क्या है, टेंजेंट है, तो अगर ये टेंजेंट है इस पैराबोला पे, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंट को मानेगा। कंडीशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, c = a/m। तो ये c के जगह पे हम क्या रखेंगे, a/m, तो ये आपका a/m है, तो ये क्या बन गया, y = mx + a/m। तो ये y = mx + a/m जो है, ये आपका इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट है, कब, व्हेन स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज गिवन, व्हेन स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज गिवन। तो ये था आपका इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट जब स्लोप ऑफ द टेंजेंट मालूम था। तो यहां पे हम तीनों फॉर्म डिस्कस कर दिए टेंजेंट का। अब हम बात करें पैरामेट्रिक पॉइंट की, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो इस टेंजेंट का स्लोप m है, पैराबोला का इक्वेशन है y2 = 4ax। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, जहां पे टेंजेंट लाइन कर्व को टच करता है, जहां पे टेंजेंट लाइन कर्व को टच करता है, वही पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहलाता है। तो यहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो am², 2a/m होगा। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, a/m², 2a/m, जहां पे m क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, और a क्या है, फोकस और वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस। तो ये था आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब हम यहां पे देखते हैं नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन डिफरेंट फॉर्म। मेरे पास पैराबोला y2 = 4ax, हम यहां पे सबसे पहले नॉर्मल का इक्वेशन निकालते हैं एक पॉइंट पे, जहां पे पॉइंट आपका पैराबोला पे हो। तो ये देखिए, ये नॉर्मल है, ये आपका टेंजेंट लाइन, टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे पे क्या होता है, परपेंडिकुलर।
तो इस नॉर्मल का जो इक्वेशन होगा, इस नॉर्मल का जो इक्वेशन होगा वो होगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वाई वन बाई टू ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन, जहां पे x1 और y1 क्या है, पॉइंट है, और a क्या है, फोकस और वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस। अगर हम पैरामेट्रिक पॉइंट पे निकालें तो आप बताइए, पैरामेट्रिक पॉइंट पे अगर हम निकालेंगे तो x1 के जगह पे क्या आएगा, 80 स्क्वायर आएगा, और y1 के जगह पे क्या आएगा, 280। तो x1 के जगह पे 80 स्क्वायर, मतलब जहां भी x1 दिख रहा है 80 स्क्वायर रखेंगे, और जहां y1 दिख रहा है वहां पे क्या रखेंगे, ट्वाइस ऑफ 80, ट्वाइस ऑफ 80 रखे, सिंप्लीफाई किए तो मेरे पास आ जाएगा y plus tx is equal to 280 plus 80q। तो ये था आपका नॉर्मल का इक्वेशन कहां पे, एट द पैरामेट्रिक पॉइंट, और नॉर्मल का इक्वेशन एट द पॉइंट। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं नॉर्मल का इक्वेशन कब, जब स्लोप ऑफ द नॉर्मल पता है। तो अगर नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल पता है, तो ये हो गया नॉर्मल, स्लोप ऑफ द नॉर्मल गिवन है, तो नॉर्मल का इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स माइनस टू ए एन माइनस ए एन क्यूब। यहां पर याद रखे, ये जो m है, ये m रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मल के स्लोप को, ये m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्मल के स्लोप को। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखें, ये फॉर्मूला को स्पेशली दिमाग में रखें कि अगर नॉर्मल का स्लोप गिवन है तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, तो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यू। तो यहां पे पैराबोला में जो जो टॉपिक था जे मेंस के सिलेबस में, उन सारे को डिस्कस कर दिए। आप अच्छे से यहां तक अच्छे से पढ़ें, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को बनाए। इसमें टेंजेंट और नॉर्मल से रिलेटेड प्रॉब्लम जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको आप जरूर अच्छे से करें। और ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है, वहां से वर्टेक्स क्या होगा, फोकस क्या होगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, उन सारे टॉपिक को भी आप अच्छे से देखें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।